नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं सितंबर महीने का राशिफल लेकर। ये प्रिडिक्शंस आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ही देखेंगे, मतलब अगर आपको अपनी राशि यानी कि पत्रिका जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपकी राशि है आपको पता है तो आप उसी हिसाब से देखेंगे। अगर आपको किसी तरह से अपनी राशि नहीं पता है तो भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने नाम के अक्षर से जो राशि बनती है उस हिसाब से भी इन प्रेडिक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, और नाम के अक्षरों के हिसाब से क्या राशियां बनती हैं वो स्लाइड्स इस वीडियो में चलते रहेंगे कि मेष राशि के अंदर कौन से नाम के अक्षर आते हैं, वृषभ में कौन से नाम के अक्षर आते हैं। ये आपकी आसानी के लिए, सरलता के लिए ये स्लाइड साथ साथ में अवश्य चलेगा। चलिए अब शुरू करती हूं राशिफल। सबसे पहले बात होगी मेष या फिर एरीज मून साइन। सबसे पहले करियर पर बात होगी। करियर यानी कि वर्क हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, और यहां पर अगर आप टेक्नोलॉजी, मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आप मार्केटिंग, सेल्स आदि की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा होने वाला है। नई शुरुआत के बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, अगर आप एक जॉब सीकर हैं, नया जॉब ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है कि इस महीने आपको कोई ब्रेक थ्रू या कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाए या फिर मैटेरियलाइज हो जाए, मिल जाए, इसकी बहुत संभावना बनती है। आपके लिए दो रास्ते होंगे, या तो आपको जॉब किसी की रिकमेंडेशन पर मिल सकती है या फिर आपका हार्डवर्क आपको अच्छा जॉब दिलवा सकता है। वेल्थ कैसी रहेगी आपके लिए? बाकी और फील्ड्स के लोग भी जनरली अच्छा करेंगे, लेकिन ये दो तीन फील्ड्स जो मैंने बताई हैं, टेक्नोलॉजी, मेटल से रिलेटेड अगर आप व्यवसाय करते हैं, आयरन स्टील कंपनी में हैं, तो इस तरह की फील्ड्स जो है ज्यादा अच्छी लोग करेंगे, रियल एस्टेट वगैरह का, बट अदरवाइज भी आपके लिए अच्छे स्कोप है। वेल्थ यानी कि धन धान्य की स्थिति कैसी रहेगी? शेयर, प्रॉपर्टी सेल होकर, गवर्नमेंट की स्कीम से या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड गेज, इन तीन चार रास्तों से आपको धन लाभ होने की संभावना है। यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, अच्छे दाम पर बिक गई, लाभ हो गया, कोई सरकारी योजना ऐसी आ गई जिसका आपको कुछ लाभ मिल जाए, शेयर मार्केट से भी आप लोग कमा सकते हैं। लेकिन ये मैं अवश्य हमेशा कहती हूं कि शेयर मार्केट वगैरह के प्रिडिक्शंस एज इट इज फॉलो नहीं करने चाहिए। ये आपकी जन्म कुंडली के प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही बताया जा सकता है। हाँ, अगर आपने पहले से शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है तो इस महीने आप प्रॉफिट पा सकते हैं। पर्सनल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है मेष राशि वालों के लिए? छोटे झगड़े जो होते हैं ना, छोटे से वाद विवाद, तर्क वितर्क बड़ा रूप ले लेंगे। बड़े डिसएग्रीमेंट आपके हो सकते हैं आपके स्पाउस के साथ या फिर फैमिली यानी कि परिवार के मध्य। आप बहुत ही केयरफुल हो जाएं जब आप किसी के ऊपर सरकास्टिक रिमार्क करते हैं, मतलब जब आप कोई तंज कसते हैं तो बहुत समझदारी से करें, क्योंकि ये आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। यानी कि अपनी वाणी और भाषा पर कंट्रोल रखेंगे। आपकी ये तंज मारने की आदत अगर है तो फिर आपके रिलेशनशिप्स को बड़े नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा पक्ष जो होगा यानी कि 16 तारीख के बाद, वो अच्छा है, रिश्तों के लिए भी अच्छा है, और जो यंग लोग हैं उनके लिए कोई न्यू रोमांस जो है वो भी उनकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। तो सेकेंड हाफ इज बेटर देन फर्स्ट हाफ जहां तक कि रिश्तों का संबंध है। अब बात होगी हेल्थ। हेल्थ कैसी रहने वाली है मेष राशि वालों के लिए? 16 तारीख तक, जब तक कि सूर्य सिंह राशि में रहेंगे, आप में से अगर कोई हृदय रोगी है या पेट से रिलेटेड किसी को बीमारियां हैं तो आपको अपना खासा ख्याल रखना चाहिए। सेकेंड हाफ जो है वो अच्छा रहेगा हेल्थ के हिसाब से, आप रोग पर काबू पा लेंगे या विजय पा लेंगे।
स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज जो कि खास करके वर्क प्लेस पर होंगे वो भी आपकी हेल्थ को सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ यानी 16 के बाद थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, ब्लड प्रेशर शूट अप कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ये हेल्थ के छोटे मोटे इश्यूज हैं जिनका आप ध्यान रखें। इस महीने आपके लिए टिप क्या होगी? आपके लिए सबसे बड़ी एक टिप होगी कि महत्वपूर्ण कार्यों को करने का डिसीजन, यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप सूर्यास्त के बाद ही लें तो अच्छा होगा आपके लिए। अब बात होगी टॉरस यानी कि वृषभ राशि, टॉरस मून साइन या फिर वृषभ राशि के विषय में बात होगी। करियर आपका कैसे रहने वाला है? निगोशिएशंस जो होते हैं यानी कि बातचीत, हम कोई अपना मतलब निगोशिएशंस को हिंदी में अभी मुझे नहीं याद आ रहा है क्या कहते हैं, मतलब कोई तालमेल बातचीत करके कोई रास्ता निकालना, उसको निगोशिएट करना कहते हैं। तो वो और आपके कोई जानकार या सीनियर्स आपके फेवर कर दे तो आपको कोई प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। तो अगर ऐसा अवसर आता है तो नेगोशिएट करने से परहेज ना करें, मतलब आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, आप अपनी इच्छा बता सकते हैं या बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। समय अच्छा चल रहा है, आपकी मदद होगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, मार्केटिंग फील्ड से हैं, सेल्स में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बाकी लोग एवरेज रहेगा उनका कार्य व्यवसाय। आप अपने पीयर्स और को वर्कर्स के साथ सावधान रहें, कोई आपका अपनी ही टीम का व्यक्ति आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकता है। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो सीनियर्स के सपोर्ट के साथ बेहतर हो जाएगा आपके लिए। सो इन जनरल आपके लिए करियर का फ्रंट ठीक ठाक है, अच्छा है। अब वेल्थ की बात होगी, धन धान्य की स्थिति कैसी है? अधिक खरीदारी आपका बजट बिगाड़ सकती है, स्पेकुलेशंस यानी कि ये जो ट्रेडिंग होती है ना शेयर्स वगैरह की, बिना सोचे समझे इंपल्सिव ट्रेडिंग आपको पैसे के बड़े नुकसान करवा सकती है। 20 तारीख के बाद फाइनेंस की स्थिति बेहतर होगी, तो आप लोगों को स्पेकुलेशन से बचना है और ओवर एक्सपेंडिचर से बचना है। अगर ये दो काम आप करते हैं तो आपके फाइनेंसेस ठीक रहेंगे। अब बात होगी पर्सनल लाइफ की, कि आप वृषभ राशि वालों की पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। इमोशनल आउटबर्स्ट जिनको आप कहते हैं कि आप एकदम इमोशनल हो गए और आप अपने रिश्तों में कुछ भी कह गए, कुछ भी बोल गए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत सोच समझ कर बात करनी होगी, रिश्तों को इमोशन की कसौटी पर नहीं कसना होगा। प्रैक्टिकल होकर सोचे कि कौन सा रिश्ता आपके लिए फायदेमंद है या आपके लिए अच्छा है। सडन इमोशनल होकर, मतलब सडनली आप इमोशनल हो गए और आपने कोई डिसीजन ले लिया, ये रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। इस महीने चाहे कोई भी रिश्ता हो, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएं और कोई भी जजमेंट किसी भी रिश्ते को लेकर ना करें कि मैं ये रिश्ता चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा, इस तरह के जजमेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं है। अब बात होगी कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। 16 तारीख तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 16 तारीख के बाद जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आपकी हेल्थ को काफी वोलेटाइल कर सकते हैं, या तो वर्क प्लेस में या फिर रिश्तों में, खास करके रिश्तों में कुछ स्ट्रेस बढ़ेगा और वो आपके या तो ब्लड प्रेशर को इरेगुलेट कर दे, मतलब ऊपर नीचे कर दे, या फिर आपको पेल्पिटेशंस वगैरह, हार्ट में जिसको आप कहते हैं तीव्र गति से चलना, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आप फील कर सकते हैं या फेस कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल करेंगे। टिप आपके लिए क्या होगी, जो कर नहीं सकते उसका प्रॉमिस ना करें किसी से भी, चाहे परिवार हो चाहे कार्य स्थल हो। बी वेरी प्रैक्टिकल, इमोशनली कैरिड अवे होके बड़े बड़े प्रॉमिसेस इस महीने किसी से ना करें। अब बात होगी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले आप लोगों के लिए सबसे पहले बात होगी करियर पर। नौकरी वाले जो लोग हैं, मतलब जो नौकरी करते हैं, उनमें से बहुत लोगों को बड़े या फिर लीडरशिप के रोल्स ऑफर हो सकते हैं।
आप अगर व्यापारी वर्ग के हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्लान करें और अपनी प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करें। मतलब एकदम से कोई बड़ी छलांग लगाने की कोशिश इस महीने नहीं करनी है, छोटे छोटे कदम लेकर सफलता आपके पास आएगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो नए आइडियाज जो हैं वो आपके लिए सम्मान लेकर आएंगे, यानी कि आपके आइडियाज बहुत अप्रिशिएट किए जाएंगे। 16 के बाद यानी कि 16 तारीख के बाद सीनियर्स के साथ, खास करके अपने सीनियर्स के साथ या घर में है तो बड़े लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन या वाद विवाद से बिल्कुल भी ना बचें, क्योंकि ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर देगा और आप नुकसान उठाएंगे। फॉरेन लैंड से फायदा हो सकता है, यानी कि कुछ लोगों को फॉरेन से कोई जॉब का प्रपोजल आ सकता है, कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी तरह से, या कोई फॉरेन में आप जाना चाहते थे, आपका वीजा नहीं हो रहा था, कोई भी ऐसी चीज, तो फॉरेन लैंड से थोड़ी सी फायदे की उम्मीद आपको दिखाई पड़ती है। अब वेल्थ, धन धान्य की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी? रियल एस्टेट, शेयर, स्पेकुलेशंस, ये सब आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो भी आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। पति या पत्नी से लाभ, यानी कि या आपको अपने स्पाउस से कुछ लाभ हो सकता है, उनका कोई इंक्रीमेंट हो गया, कुछ हो गया, तो इस तरह से पति या पत्नी से भी लाभ हो सकते हैं। और सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ यानी 16 के बाद शेयर मार्केट से खासे फायदे की उम्मीद आप रख सकते हैं, लेकिन कर्जे लेने की टेंडेंसी से आपको बचना चाहिए। पर्सनल लाइफ कैसी होगी? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसको आप कहते हैं, दूर रह रहा है कोई आपका प्रेमी या प्रेमिका, या पति आपसे आपके दूर है, पत्नी दूर है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है इनमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और आप किसी अपनी कम्युनिटी से बाहर के व्यक्ति के साथ, मतलब आपको आकर्षण हो सकता है या आप अट्रैक्ट हो सकते हैं किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ, फॉरेनर के साथ भी हो सकता है। पति पति पत्नी को इस महीने आपसी समझ और सहानुभूति की बहुत जरूरत है, अदरवाइज रिश्ते खराब हो सकते हैं। हार्श स्पीच आपके रिश्ते बिगाड़ देगी, परिवार में भी, पति पत्नी के बीच भी, कहीं भी, व्यापार में, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हार्श स्पीच से आपको बचना है। हेल्थ, हेल्थ में आपको माइनर थोड़े से, मतलब माइनर हिकअप्स जिनको मैं कहती हूँ, छोटी छोटी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कोल्ड एंड कफ है, फीवर है, फ्लू है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। माँ की सेहत आपकी खराब हो सकती है, ये है आपके जेमिनाई वालों के लिए। अब टिप क्या होगी, इस महीने एमलेस होकर ना घूमे या एमलेस प्रोजेक्ट्स पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, यानी कि आपको बहुत फोकस्ड होना है और आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप कुछ भी, मतलब सोच नहीं रहे हैं, बस जुट गए काम करने में, तो एक फोकस रखकर काम करें अच्छा रहेगा। अब बात होगी कैंसर यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए करियर के लिए ये महीना या काम के लिए ये महीना कैसा हो सकता है? सबसे पहले नए बिजनेस शुरू करने के लिए ये महीना एक अच्छा समय हो सकता है, किसी भी पार्टनरशिप को के। अब बात होगी कैंसर यानी कि कर्क राशि के विषय में। अगर आपकी कर्क राशि है तो इस महीने सितंबर में आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा? सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी नया काम शुरू करने के लिए ये महीना एक अच्छा महीना साबित हो सकता है, खास करके अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते थे और वो भी अगर पार्टनरशिप में था या किसी कोलैबोरेशन में था, तो फिर आपके लिए ये समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स लॉन्ग रन में ला सकता है। वर्क प्लेस पर यानी कि अपने ऑफिस में सीनियर्स के साथ वाद विवाद की स्थिति आपके लिए बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकती है, इससे आपको बचना है। 16 तारीख के बाद अगर आप अपना प्रमोशन चाहते थे, ट्रांसफर चाहते थे, किसी भी तरह का कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव ढूंढ रहे थे, नए जॉब को ढूंढ रहे थे, करियर चेंज करना चाहते थे, उस सब के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी प्लानिंग दिन
16 के बाद आगे बढ़ती हुई या नए रास्ते खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। फ्रीलांसर्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड और फ्रीलांसर्स के लिए यह महीना खास अच्छा हो सकता है। अब वेल्थ यानी कि धन धान्य की स्थिति कैसी होगी? धन जो है, धन का जो आना है वो कहां कहां से हो सकता है? कमीशन के थ्रू, बोनस के थ्रू, कंसल्टिंग अगर आप करते हैं तो उस एरिया से, रियल एस्टेट से, इन सब जगहों से आपको फायदा हो सकता है। वहीं पर स्पेकुलेशंस और ट्रेडिंग यानी कि शेयर वगैरह या जुआ वगैरह भी आप कह सकते हैं, इससे अगर आप कुछ करेंगे ऐसा तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कि धन के साथ खेलना नहीं है। पर्सनल लाइफ आपकी कैसी हो सकती है, यानी आपसी संबंध, रिश्ते कैसे हो सकते हैं? सोशलाइजिंग, यात्रा और बातचीत, यानी कि ये तीन चीजें आपके रिश्तों को अच्छा कर सकती हैं। या तो ये कि आप थोड़े से सोशल बनिए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, अगर आपकी कुछ अच्छे पति पत्नी के मन मुटाव थे, मे बी आप एक ट्रेवल पर चले जाएं, आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। डिस्कशन, कोई भी चीज जो है वो आप बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं, संबंधों को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ अच्छी कर सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को नजरअंदाज इस महीने ना करें, चाहे वो पत्नी है, प्रेमिका है, दोस्त है, माता पिता है, सभी के इमोशंस का, बच्चे हैं, आपको ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो आपके लिए रिश्ते, आप रिश्तों की हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। आपके लिए कैंसर राशि के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस पाना इस महीने आसान हो सकता है। हेल्थ कैसी हो सकती है? सर, आंखें और शरीर का दर्द, ये तीन चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। प्राणिक हीलिंग या फिर आपको सूर्य की आराधना आपकी सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद कर सकती है। टिप क्या होगी आपके लिए? नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या रोज वाटर रोज डालकर नहाए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। लियो यानी कि सिंह राशि, कार्य व्यवसाय या करियर की दृष्टि से नए प्रोजेक्ट, नए काम, इन सब की अगर आप लॉन्चिंग करना चाहते थे, किसी के साथ मिलजुल कर कोई काम करना चाहते थे, पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, तो उन सब के लिए आपके लिए ये अच्छा समय है। अगर आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप वगैरह शुरू करना चाहते थे, आपको अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। ये समय, ये महीना अपने नेटवर्क को बढ़ाने का है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपके लिए नए एवेन्यूज या नए रास्ते खुल जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड और जॉब सीकर्स, बिजनेसमैन, इनके लिए अच्छा समय है। बस एक कॉशन है कि अपने कोवर्कर या पार्टनर्स के साथ ईगो हैसल्स को आगे ना आने दें, डिसएग्रीमेंट से बचें, ये आपके लिए अच्छा होगा। अब वेल्थ, धन धान्य की स्थिति कैसे हो सकती है? पुराने इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे सकते हैं, रियल एस्टेट से भी फायदा हो सकता है, यानी भूमि से भी, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह केयरफुली चेक करें, पढ़े लिखे लीगल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बनवाएं, तभी ऐसा कोई काम आप करें। लोन लेना और देना दोनों ही अच्छे साबित सिंह राशि वालों के लिए नहीं होंगे। किसी भी लालच में पड़कर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, फाइनेंशियल डील करेंगे, उसमें आपको नुकसान होना तय है। पर्सनल लाइफ कैसी हो सकती है? आपके अपने आपका इमोशनल सपोर्ट चाहेंगे। आप काफी वर्क में लगे हुए हैं, शायद परिवार को कुछ नजरअंदाज अगर कर रहे हैं तो आपके अपनों को आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए। भाई बहनों के बीच में अगर आपके आपके भाई बहनों से मतभेद थे वो समाप्त हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच का विवाद तूल पकड़ सकता है, यानी कि बढ़ सकता है। आर्ग्यूमेंट्स से बचें, ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ। हेल्थ कैसी हो सकती है? सिंह राशि, हार्ट पेशेंट्स, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्दी ईटिंग और रेगुलर एक्सरसाइज आप लोगों के लिए एडवाइज्ड है।
हार्ट खास करके आप अपना ध्यान रखेंगे। इस महीने की टिप क्या होगी आपके लिए, इस महीने आप अपने कपड़े और जूते दान ना करें। वैसे करना कोई बुराई नहीं है, इस महीने आप ये काम ना करें, नुकसान होगा ऐसा करने से। वर्गो यानी कि कन्या राशि, आपके लिए कार्य व्यवसाय के लिए अगर आप आर्टिस्ट हैं, व्यापारी हैं, सिंगर हैं, मीडिया पर्सन हैं, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आपके पार्टनर्स, कोवर्कर्स, कलीग्स सब आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। अच्छा समय है, अगर नया स्टार्टअप वगैरह भी आप शुरू करना चाहते थे, खास करके किसी क्रिएटिव फील्ड में था या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई स्टार्टअप था, आपके लिए अच्छा समय है। नए जॉब के विषय में ध्यान से सोचें, करियर चेंज करने में जल्दबाजी ना करें, शायद आप किसी गलत जगह ज्वाइन कर लें जो बाद में आपको थोड़ा सा रिपेंटेंस हो सकता है। वेल्थ कैसी हो सकती है, यानी कि धन धान्य की स्थिति, सरकारी योजनाओं से लाभ हो सकता है, भूमि से हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड, जैसे मैंने कहा ना सिंगर्स के लिए अच्छा समय, क्या पता आपका कोई गाना हिट हो जाए तो इस तरह से आपके और आपको काफी रॉयल्टी मिल जाए, तो यानी रचनात्मक फील्ड से भी धन लाभ आप लोगों को हो सकता है। कानूनी अड़चन पर धन व्यय हो सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चे यानी कि अचानक से आए हुए खर्चे आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। 16 तारीख के बाद आप में से बहुत लोगों को फॉरेन लैंड यानी विदेशी जगह से या कुछ धन लाभ हो सकता है। पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी कन्या राशि के लिए, रिश्तों को नुकसान होने से पहले ही उनको बचा लें, ये आपके लिए एक टिप है। आपका स्वभाव जो है या रिश्तों को लेकर जो आपके कैजुअल अप्रोच है, ये आपके अपनों को आपसे दूर कर रही है। माँ के साथ एक इमोशनल आउटबर्स्ट यानी माँ के साथ एक काइंड ऑफ झगड़ा आपका हो सकता है और उससे आपके रिश्ते और खराब हो सकते हैं। महिलाएं खास करके, अगर आप कन्या राशि की हैं और महिला हैं, तो रिश्तों में खिंचाव का अनुभव आप करेंगे। अगर अनमैरिड हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने, अगर आप शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं ना, तो अपना जो अभी तक आपका एक क्राइटेरिया था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए ऐसा, उसमें कुछ बदलाव लाइए तभी सफलता मिलेगी, यानी कुछ चेंज करना होगा। अब हेल्थ कैसी रहेगी, शरीर के साथ साथ मन की हेल्थ को दुरुस्त करें। जैसा कि मैंने कहा कि रिश्तों में खिंचाव है, माँ के साथ इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे हैं, तो ये आपको मेंटल एग्नी या मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं, तो ये इसके लिए, और एक ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी आप लोगों को हो सकते हैं। मैं कहूंगी इस वक्त मेडिटेशन करना सबसे अच्छा होगा कन्या राशि वालों के लिए। टिप ऑफ द मंथ आपके लिए होगी, या तो ओल्ड एज होम में जाकर कुछ सर्विस करें, या फिर बुजुर्ग लोगों की या फिर अपने माँ बाप की ही सेवा आप अगर करेंगे तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अब बात होगी लिब्रा या तुला राशि। तुला राशि मतलब अगर आप व्यापारी हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो आपके लिए ब्रिलियंट मंथ है, यानी कि बहुत अच्छा मंथ है। इस महीने क्रिएटिविटी आप लोगों की, लिब्रा वालों की, पीक पर हो सकती है। अगर आप नौकरी में थे और कुछ प्रमोशंस वगैरह की बातें अटक रही थी, या आप सोच रहे थे कि आपने इतना अच्छा काम करके बॉस को दिया और अप्रिसिएशन नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें अब आपको मिल सकती हैं। रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, प्रमोशन, इस तरह की चीजें आपके लिए ये मंथ कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आप व्यापार में हैं तो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपका व्यापार का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, या सरकार के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। सीनियर्स के साथ बात करते वक्त आप अपनी जो बातचीत का तरीका है उसको पॉलिश्ड रखें, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ अपना पक्ष उनके सामने रखें, आपको फायदा होगा। 20 तारीख के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, कार्य विस्तार के लिए नए लोग मिलेंगे जिनके साथ मिलकर आप काम बढ़ा सकते हैं। वेल्थ कैसी रहेगी, रेंट से आ सकते हैं पैसे, कमीशन से आ सकते हैं, बोनस, डिविडेंड्स,
पुराने कोई लोन थे आपने किसी को दिया था उसकी रिकवरी हो सकती है, तो इन रास्तों से धन लाभ की उम्मीद है। कानूनी मसलों में सोच समझ कर व्यय करें, हो सकता है वो धन बेकार ही चला जाए। पर्सनल लाइफ कैसी हो सकती है, इस महीने आप उन रिश्तों को छोड़ सकते हैं जहां पर आप सोचते हैं कि अब सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। यानी कि ऐसा होता है ना कि एक समय आता है जब हम लेट गो कर देते हैं कि ठीक अब प्रयास नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति आपके साथ किसी भी रिश्ते में आ सकती है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि मेरा सुझाव होगा कोई भी नतीजा निकालने से पहले, डिसीजन लेने से पहले एक बार बातचीत का रास्ता जरूर खुला रखें, बिना बातचीत किए कोई भी डिसीजन ना लें। अगर आप कपल्स हैं यानी शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो फिर आप अपने रिश्तों को इम्प्रूव करने के लिए या बेहतर करने के लिए आप एक बीच का रास्ता चुनें, मध्य मार्ग, अन्यथा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। एक दूसरे को अपने जैसा बनाना, ईगो टसल करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर कोई ट्रेवल की प्लान कर रहे थे उसमें कोई बाधा आ सकती है। हेल्थ कैसी रहेगी आपके लिए, कुछ हेल्दी रूटीन को अब अपनी लाइफ में शामिल करने का समय है। जनरली हेल्थ अच्छी है, लेकिन मैं कहूंगी कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस आपके लिए सजेस्टेड इस महीने रहेंगे। पेट, हृदय और आंखें, ये एरिया आपको कुछ तकलीफ दे सकते हैं। टिप ऑफ द मंथ क्या है आपके लिए, पिता, गुरु या अध्यापक, इनमें से किसी का भी आशीर्वाद आप ले, इस महीने आपके लिए अच्छा होगा। और मैं ये कहूंगी कि सोशल सर्विस भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स हो सकते हैं। अब बात होगी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि की। सरकारी उपक्रमों या सरकारी नौकरी वाले लोग सबसे बड़ा फायदा इस महीने उठाएंगे। अगर आप अन्य किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो फिर आपको अपने सीनियर्स की मदद जो है वो आपको आगे ला सकती है, या आपका कोई सीनियर आपका कोई फेवर कर दे और आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप मान लीजिए कि जब तक आप अपने कार्य में, व्यवसाय में कुछ नयापन नहीं लाएंगे, कोई नया प्रोडक्ट नहीं जोड़ेंगे, कोई नई स्किल डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वेल्थ कैसी होगी आपके लिए, वेल्थ रियल एस्टेट से कुछ लोगों को बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं इस महीने, और कुछ लोग जो है वो बोनस या सैलरी हाइक से फायदा उठाएंगे। 16 के बाद शेयर मार्केट से आप में से बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। बड़े खर्चे को करने से इस महीने आपको बचना चाहिए। पर्सनल लाइफ आपकी कैसी होगी, परिवार के बीच कुछ अच्छे पल गुजारेंगे आप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, भाई बहन और बच्चों की तरफ से भी कोई शुभ सूचना प्राप्त करेंगे। यात्रा में लाभ होगा, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेवल पर जा रहे हैं तो भी कुछ लाभ होगा, और अगर पर्सनल ट्रेवल पर जा रहे हैं तो भी आपके संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे होंगे। महीने के अंत में यानी कि 22 तारीख के बाद अगर पति पत्नी यानी आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। हेल्थ कैसी रहेगी, किसी पुरानी बीमारी से अगर आप जूझ रहे थे, मतलब कोई क्रॉनिक डिजीज परेशान कर रही थी, तो अब वो रिकवरी मोड पर होगी, यानी कि ठीक होने लगेगी, तनाव मुक्त होंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यानी कि शोल्डर्स की, हाथ पैरों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। आपके लिए टिप क्या होगी स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, इस महीने किसी भी हाउस हेल्प के साथ, यानी कि हमारे जो भी हमारे लिए ना काम करते हैं, चाहे कोई ऑटो वाला है, चाहे रिक्शे वाला है, चाहे कोई हमारे जूते संभालता है, कुछ भी जो हमारे लिए लोग कायम काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे हेल्पर्स हैं, उनके साथ आप बिल्कुल भी ना उलझें और उनकी हमेशा मदद करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सजिटेरियस या धनु राशि, कार्य व्यवसाय के लिए, अगर आप टीचर हैं, स्पीकर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, प्रीचर हैं, धर्म गुरु है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय ग्रोथ और फेम का है। ये महीने आपके लेक्चर्स की तारीफ हो सकती है, अगर आप
काउंसलर है तो आपकी काउंसलिंग एबिलिटीज की तारीफ हो सकती है, आप में से कुछ लोग विदेश जाकर प्रवचन कर सकते हैं या फॉर्मल लेक्चर्स दे सकते हैं, यानी कि अच्छा समय है। सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो भी आपके लिए ये महीना अच्छा है। विदेश की यात्राएं आपके लिए एक नया होराइजन या नया रास्ता खोलने में सफल होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का तरीका आपको कई फील्ड में आगे ले जा सकता है। नेटवर्किंग की स्किल्स को बढ़ाना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इस महीने। कैसे बात करते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, कहाँ अपनी स्किल्स को आप यू नो इम्प्रूव कर सकते हैं, इन एरियाज पर अगर आप वर्क करते हैं तो आपके सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। वेल्थ कैसी होगी, खर्च बढ़ सकते हैं, लोन्स थोड़े से परेशान कर सकते हैं। अगर आप कोई पुराना लोन था तो आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, पर इन चीजों का सॉल्यूशन आप कुछ बेच कर या कुछ करके ना निकालें, थोड़े से प्रैक्टिकल हो और धैर्य के साथ इन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अदरवाइज कोई एसेट डाइल्यूट हो सकता है जल्दबाजी में, तो थोड़ा धैर्य के साथ लोन्स वगैरह को निपटाने की कोशिश करें। 16 के बाद यानी 16 तारीख के बाद जब सूर्य का मूवमेंट हो जाएगा तब आपके आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इनहेरिटेंस से या फिर बीमा से आपको लाभ हो सकता है। पर्सनल लाइफ कैसी हो सकती है, सोशल ऑब्लिगेशंस आपको ना परेशान करेंगे, यहां जाना वहां जाना, रिश्तेदारों के यहां कुछ देना लेना, इन चीजों से आप थोड़ा सा सफोकेटेड फील करेंगे। आपके फैमिली वाले लोग आपसे फाइनेंशियल फेवर भी मांग सकते हैं, ये भी आपको टैक्सिंग लग सकता है। अगर आप कपल्स हैं, मतलब शादीशुदा हैं, तब फिर आपको अपने पास्ट के ग्रजेस को भूल कर भी इस महीने डिस्कस नहीं करना है, ऊपर नहीं लाना है, दिक्कत में फंस जाएंगे आप। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मतलब पढ़ लिख रहे हैं, तो आपके लिए ये अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ढूंढ रहे थे, आपको मिल सकता है। हेल्थ कैसी रहेगी धनु राशि वालों के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज इस महीने मैं कहूंगी कि बहुत ही जरूरी है। कुछ समय के लिए वॉक अवश्य करें, नहीं तो आपको बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम मैं देख रही हूं हो सकती है। टिप ऑफ द मंथ आपके लिए क्या होगा, वाहन के रख रखाव पर पूरा ध्यान रखें, मतलब वेल सर्विस्ड कार होनी चाहिए, मोटरसाइकिल जो भी है, तो वाहन की देखभाल करें और ड्राइविंग केयरफुली करें, ये आपके लिए एक टिप होगी। अगर आपने सर्विस नहीं करवाई है, लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, हो सकता आपका वाहन आपको ट्रबल कर दे, ध्यान रखेंगे। अब बात होगी मकर राशि या कैप्रिकॉर्न मून साइन, आपके लिए कार्य के लिए 16 तारीख तक, मतलब टिल 16th सितंबर, आपको लग सकता है कि आप काफी सफोकेटेड हैं वर्क पर, आपके सीनियर्स आपके ऊपर काफी प्रेशर करें, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं आपको लगेगा काफी मेरे सीनियर्स मुझे प्रेशर कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं वर्क पर, और आपकी केयरलेस अप्रोच जो है वो आपके सीनियर्स को अच्छी नहीं लगेगी और वो आपको डेडलाइंस मीट करने के लिए लगातार प्रेशर करते रहेंगे, तो आप लोग थोड़े से एनर्जाइज्ड हो जाइए, अपने काम पर थोड़े से अटेंटिव हो जाइए, नहीं तो आप में से कई लोगों को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर आपके लिए काफी अच्छा समय है, सरकारी वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। बाकी लोग मीडियोकर अचीवमेंट्स होंगे, मतलब ओके होगा, लेकिन सरकारी लोग बहुत अच्छे होंगे। कॉर्पोरेट हाउस में अगर आप करते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं आप, लेखक हैं, यूट्यूबर हैं, कुछ भी है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। यानी कि सरकारी, क्रिएटिव, फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन लोगों के लिए अच्छा, कॉर्पोरेट हाउस में काम करने वाले, बाकी अगर आप डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं तो आपके लिए ओके है। अब वेल्थ आपकी कैसी रहेगी मकर राशि, हाँ अगर आप मीडिया वगैरह में हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। वेल्थ, फाइनेंस मैनेजमेंट अगर आपने अच्छे से नहीं किया इस महीने
तो फिर आप एक लंबे लोन में फंस सकते हैं। मे बी आपने कोई बड़ा खर्चा अपने ऊपर ले लिया, प्लानिंग नहीं की थी, फिर आपने एक बड़ा सा लोन ले लिया, ये आपके लिए काफी खराब साबित हो सकता है। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट और इम्पल्सिव खरीदारी। इम्पल्सिव का मतलब होता है बिना सोचे समझे। इन्वेस्टमेंट और खरीदारी दोनों ही आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आएंगे। 22 सितंबर के बाद फाइनेंशियल स्थिति आप लोगों की बेटर होगी। कोई भी गारंटी पेपर साइन ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी? घर परिवार के मसले जो हैं वो इमोशनल टर्मोइल, यानी कि जिसको आप कहते हैं ना कि मतलब संवेदनाएं आपकी थोड़ी सी लगेगा कि लोग उनका फायदा उठा रहे हैं या आपके सिंप्लिसिटी का भी लोग फायदा उठा रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। 16 तारीख तक पति पत्नी के बीच में ईगो हैसल्स बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म देंगे। बिल्कुल ना करें आप लोग। अगर कोई इशू है तो उसको टाल दें 15 दिनों के लिए। 16 तारीख के बाद स्थिति बेहतर हो सकती है। इमोशनल टाइज जिनको आप कहते हैं, जिनके साथ भी आप इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भाई बहन है, माँ है, बाप है, आपके मित्र हैं, कोई भी है, तो वो 16 तारीख के बाद आपके इमोशनल रिलेशंस जो है वो एनरिच होंगे, या मैं कहूंगी कि उनमें एक पुख्तापन आएगा, मजबूत हो जाएंगे। ट्रेवल या प्लेजर ट्रिप कुछ भी अगर आप लेते हैं, मतलब प्रोफेशनल ट्रेवल या प्लेजर ट्रिप, आपके लिए अच्छी रहने वाली है। हेल्थ इश्यूज में क्या हो सकता है? एनीमिया और इनडाइजेशन, दो बातें जो है इनका ख्याल रखें, अपने ब्लड का एक बार टेस्ट करा लें। लॉस ऑफ वाइटलिटी, मतलब ये लग सकता है कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं, मेरा स्टेमिना कम हो रहा है, ऐसा आप फील कर सकते हैं। टिप ऑफ द मंथ आपके लिए होगी, सीधे हाथ में लाल मौली किसी मंदिर में जाकर पुजारी से बंधवा लें और एक महीने बांधे रखें। अगर आप महिला हैं और मैरिड हैं तो ये काम आप बाएं हाथ में करवा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, इसके लिए सबसे पहले करियर पर बात होगी। 16 तारीख तक, ये जो मैं 16 तारीख या 16 के बाद कह रही हूं, ये सूर्य की स्थिति से सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो सूर्य की पोजीशन 16 तक अभी सिंह में रहेगी, 16 के बाद बदल जाएगी, इसलिए एक लाइन मतलब 16 तारीख बार बार आ रही है हर प्रिडिक्शन में। तो 16 तारीख तक जो है जनरली करियर के लिए एक प्रॉस्परस टाइम है, अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि में होंगे, जो कि आपके 10वें घर से 10वां स्थान है, इस तरह से काउंट कर रहे हैं, तो अच्छा समय है। प्रमोशन, एडवांसमेंट, आपके मन का कोई काम मिल जाए, आप कोई नया बिजनेस शुरू करें, इस सब के लिए आपका समय अच्छा होगा। सरकारी सम्मान, सरकारी मदद, सरकारी नौकरी, सरकार से फेवर, कुछ भी करने के लिए, और आपके करियर में ये सब चीजें बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। बस आपको अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल करना है, यानी गुस्से पर, क्रोध पर आपको अपने नियंत्रण रखना है। आप अगर अपने सीनियर्स के साथ ईगो दिखाएंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके 10वें घर से 10वें घर में है, चलेगी तो सीनियर्स की ही, आपका ईगो नहीं चलेगा, तो ये आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स को यानी कि आगे बढ़ने की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं आपके सीनियर्स, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, या किसी बड़ी प्रभावशाली कंपनी के साथ आप ज्वाइंट वेंचर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस महीने आपको खुलकर काम करना चाहिए, खास करके 16 से पहले तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप काम करें, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वेल्थ, धन की स्थिति कैसी होगी? किसी भी तरह के शेयर या बॉन्ड या डिविडेंड्स या फिर फॉरेन डील्स आपको फायदा करवा सकती है, प्रॉफिटेबल हो सकती है, सरकारी क्षेत्र से मदद आ सकती है, कोई बीमा वगैरह से भी आपको मदद मिल सकती है। अगर आप किसी की कानूनी सहायता करना चाहते हैं वो अवश्य करें, लेकिन पैसे से उसकी मदद ना करें। लोन लेते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि आप अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के मूड में आ गए और आपने बड़ा लोन ले लिया तो हो सकता है आगे वो आपको तकलीफ दे दे। पर्सनल लाइफ कैसी होगी? पहले 15 दिनों में खास करके जो यंग लोग हैं, सिंगल हैं, वो किसी नए रोमांस को अपनी लाइफ में पा सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। महिला हैं अगर आप,
और आपकी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है, तो इस महीने आप अहंकार से बचें, आप अपने रिश्तों में नुकसान उठा जाएंगी, इमोशनल इश्यूज में रिजिड होने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई बात आपको समझा रहा है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, तो आपको उस वक्त रिजिड नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ दूसरों की बात सुने और कुछ अपने अंदर बदलाव भी लाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मतलब 16 तारीख की तक तो ये स्थिति है, 16 के बाद जो है वो आप अपने डिफरेंसेस को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। पति पत्नी के बीच में आत्मसम्मान की लड़ाई हो सकती है, अतः एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के ईगो को हर्ट इस महीने ना करें। हेल्थ कैसी आपकी हो सकती है, हेल्थ के गोल्स को सेट करें, मतलब जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा। अगर आप अपने हेल्थ के रिजीम को यानी कि हेल्थ को फूड को डाइट को एक्सरसाइज को अगर आप फिक्स नहीं करते हैं तो फिर आपकी सेहत थोड़ी सी इस महीने डावाडोल हो सकती है। प्राइवेट पार्ट्स में भी कुछ प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं, बाकी जनरली हेल्थ ठीक रहेगी। टिप ऑफ द मंथ क्या होगा आपके लिए कुंभ राशि वालों, इस महीने सूर्यास्त के बाद सनसेट के बाद दूध से बनी हुई चीजों का सेवन आपको नहीं करना है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए बात होगी। आपके लिए पहले हाफ में यानी 16 तारीख से पहले कार्य क्षेत्र में आप जमकर काम करें, आपके विरोधी परास्त हो रहे हैं या परास्त होंगे, अगर आप कोई भी आपका विरोध करता है वो आपके आगे टिक नहीं पाएगा, आपके कार्यस्थल पर आपका सिक्का जम सकता है, आपकी स्किल्स का, आपकी वाक्पटुता का, आपका निगोशिएशन की आपकी जो स्किल है कि लोगों के बीच में जो आप बातचीत करके एक रास्ता निकाल देते हैं, इन सब चीजों से आपका एक सिक्का जम सकता है। अगर आप प्रमोशन चाहते थे तो 6 तारीख के बाद अपने पेपर्स या अपना केस अपने सीनियर्स के सामने पुट अप करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहती है, सही लोगों का सही समय पर साथ आपको मिलता रहेगा इस महीने। यानी कि कोई भी काम आप करना चाह रहे थे तो आप ढूंढ रहे थे कि कुछ अच्छे लोग मिले, तो वो आपको मतलब कहते हैं ना यूनिवर्स की तरफ से ही कुछ ऐसे संकेत हैं कि आपको सही समय पर सही लोगों का साथ इस महीने आपके करियर को स्टेबल कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। किसी भी काम को करते वक्त आपको डिटेलिंग पर ध्यान देना चाहिए, जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है जिस पर आपको ध्यान रखना है, वहां पर कुछ आप फंस सकते हैं। कोई भी बड़ी डील क्रैक करने में आप इस महीने सफल हो सकते हैं, डॉक्टर हैं लॉयर हैं या फिर आप मतलब कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर डे टू डे की कोई डिस्कशन होती है या डे टू डे का कोई काम होता है, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, इनमें आप लोग अगर काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आपकी वेल्थ के बारे में बात होगी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं यानी कि लैंड वगैरह रियल एस्टेट वगैरह तो आपके लिए अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से शेयर से इनहेरिटेंस लिटिगेशन इन सब से आपको फायदा हो सकता है। मे बी आपका कोई चेक बाउंसिंग का केस चल रहा था, किसी ने आपको चेक दिया था, तो वो सब आपके निपट कर आपको कुछ धन का लाभ करा सकते हैं। आप लोन आपका इजिली अप्रूव हो जाएगा, अगर आप लोन अप्लाई कर रहे थे तो लोन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बड़े लोन लेने से आपको बचना होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ जो है वो थोड़े से आपके हेल्थ इश्यूज के लिए मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, रेगुलर आप मतलब एक हेल्थ चेकअप इस महीने के सेकेंड हाफ में 16 तारीख के बाद बनता है अपना करा लें, या फिर एक डॉक्टर की विजिट इस महीने मैं देख रही हूं आपको जाना पड़ेगा। स्टमक के इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होगी। अब आपकी टिप ऑफ द मंथ क्या होगी, अच्छा पर्सनल लाइफ आपकी कैसी होगी, धैर्य के साथ आप घरेलू मसलों को निपटाएं,
आप इंपल्सिव हो जाते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, तो झगड़ा जो निपट सकता था वो और बढ़ सकता है। थोड़ा पेशेंटली आप लोगों की बातचीत को सुने, अन्यथा आपके रिश्ते खराब होंगे और उनको दोबारा मजबूत करना एक टास्क हो जाएगा। मतलब फिर पूरे महीने वो खिंचेंगे और आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं शुरू में ही इसको सॉर्ट आउट कर देता। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं और किसी भी इशू को बहुत आगे ना बढ़ने दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। टेम्परामेंट से बचें, जल्दी से गुस्सा होते हैं आप, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्रोध से बचना है या क्रोध पर काबू करना आपको सीखना चाहिए अगर आप रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। टिप ऑफ द मंथ आपके लिए क्या होगी, किसी भी देव स्थान की रेगुलर विजिट करें। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, जो भी आपका धार्मिक स्थल है वहां पर आप विजिट करें इस महीने, आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे या आपके लिए अच्छा होगा। ये थी मेरी एनालिसिस 12 राशियों के लिए सितंबर महीने के लिए। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।